गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास हमने आपको कुछ कीवर्ड्स बताए थे। कहे थे कि मिक्सर एनालिसिस जब हम पढ़ेंगे उसको पढ़ने के लिए वो कीवर्ड्स आपको याद रखने होंगे। सही है, समझ में आया था, आपने कर लिया होगा। ठीक है, जो लोग आज अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग प्लीज़ पीछे की वीडियो लेक्चर नंबर 16 जाकर ये कीवर्ड्स ज़रूर वहाँ से देख लें, क्योंकि अगर आपको ये कीवर्ड्स नहीं पता होंगे तो आपको मिक्सचर एनालिसिस जो टॉपिक है वो समझ में नहीं आएगी। एक्चुअली जो भी सुनेंगे वो तो समझ में आएगा आपको, लेकिन हम कब क्यों और क्या कर रहे हैं ये आपको अपने से गेस करने फिर नहीं आ पाएगा। चलिए एक बार हम थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन करा देते हैं। पहला, अल्कली मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। आप ये कह सकते हैं जितने भी ग्रुप वन, हाँ, पीरियोडिक सिटी में, यानी कि हमारे जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके ग्रुप वन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, अल्कली मेटल्स में आते हैं। सही है। दूसरी पॉइंट, ऑल अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट लिथियम। अगर हम लिथियम को छोड़ दें तो बाकी जितने भी अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट होते हैं, जैसे कि, हाँ, लिथियम तो आपने छोड़ दिया, तो फिर कौन बचा, सोडियम, तो सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, हाँ, इस टाइप के जितने भी मेटल कार्बोनेट्स बनेंगे दे आर थर्मली स्टेबल। थर्मली का मतलब, हाँ, अगर आप उनको हीट करते हैं तो अब चाहे जितना हीट करिए वो ब्रेक डाउन नहीं होंगे। यानी कि अगर आप ले लिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और आपने इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया, ये कभी भी ब्रेक डाउन होके हमें सोडियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं देगा। रीजन, ये अल्कली मेटल का कार्बोनेट है, ये चीज। दूसरी, इसके एक एक्सेप्शन है, कौन है, लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करेंगे तो वो आपको लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे देता है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज सम अल्कलीन अर्थ मेटल्स, जिसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं, ग्रुप सेकेंड के, जैसे कि बेरिलियम, इनके मेटल कार्बोनेट्स, यानी कि बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट्स, दे आर नॉट थर्मली स्टेबल। ध्यान रहे, दे आर नॉट थर्मली स्टेबल, यानी जब आप इनको हीट करेंगे तो देखिए बेरिलियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो बेरिलियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, उसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और इस केस में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ऑन हीटिंग मेटल बाई कार्बोनेट्स, हाँ, जितने भी बाई कार्बोनेट्स हैं जिसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स बोलते हैं, चाहे कोई भी मेटल हो, लेट्स आपने लिया सोडियम बाई कार्बोनेट यानी कि NaHCO3, अगर आपने इसको हीट किया तो ये कभी भी टूट के आपको सोडियम ऑक्साइड नहीं देगा, ये हमेशा क्या देता, आपको मेटल का कार्बोनेट देगा, यानी कि Na2CO3। पहले तो आपको सोडियम कार्बोनेट देगा प्लस वाटर, वो भी किस फॉर्म में देगा, वेपर फॉर्म में। ध्यान रखना है किस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में। क्यों? क्योंकि अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को आपको डिकम्पोज कराना है तो उसके लिए आपको 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर है तो बताइए वाटर क्या होती है, हाँ, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको H2O जरूर मिलेगा, लेकिन किस फॉर्म में, गैसियस स्टेट में। ये मिलेगा आपको सॉलिड स्टेट में, प्लस आपको क्या मिलता है, CO2 गैस। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा एनी लॉस इन मास ड्यूरिंग रिएक्शन। ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज बेसिकली ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ द गैसेस। जब हम रिएक्शन कराते हैं, एक्चुअली थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं, तो क्या होता है, हीट की वजह से गैस रिलीज होती है, होती है। जो गैस रिलीज होगी अगर वो क्लोज कंटेनर है तब तो आपके मास में कोई लॉस नहीं होगा, अगर वो क्लोज कंटेनर ना हो के ओपन कंटेनर है तो बताइए गैस निकलने के बाद वहीं रुकेगी या गैस एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाएगी, एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाएगी ना, हाँ, तो उसकी वजह से जो गैस निकल गई उसका कुछ ना कुछ मास रहा होगा, उतना मास आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं लॉस इन मास। आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन में आपको दे देगा कि बताइए एक रिएक्शन कराएं, उस रिएक्शन में मेरा 4 ग्राम लॉस हो गया, तो आपको यहाँ से एक चीज़ समझनी होगी, अगर 4 ग्राम लॉस हुआ इसका मतलब उसमें से
चार ग्राम गैस बनी होगी। वो आपको भले से कह रहा है 4 ग्राम लॉस, लेकिन आपको ये समझना होगा कि वो लॉस क्यों हुआ, क्योंकि गैस बना हुआ और गैस मिक्सचर बन के इन्वायरमेंट में मिक्स हो गया। तो आपको पता लगाना होगा अगर लॉस दिया है, यानी को अमाउंट ऑफ गैस इवॉल्व्ड दिया होगा। अगर यह 4 ग्राम दिया तो 4 ग्राम हो गया। अगर कहता किसी रिएक्शन में 2 ग्राम लॉस हो गया, यानी कि उस रिएक्शन से 2 ग्राम क्या बनी होंगी, गैस बनी होंगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज रेसिड्यू। रिएक्शन करने के बाद दो ही चीज़ें होंगी, हाँ, या तो कुछ बच जाएगा या तो कुछ नहीं बचेगा। अगर जो बच गया रिएक्शन के बाद कंटेनर में, उसे हम बोलते हैं रेसिड्यू, जिसको प्रिसिपिटेट भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम, रेसिड्यू। अगर कुछ नहीं बचा तो रेसिड्यू है ही नहीं, सही है। चलिए, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अपना टॉपिक हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। तो चलिए, लेकिन मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा एक्चुअली इस क्वेश्चन का क्या मतलब है। अभी थोड़ा सा आपको और लग सकता है, तो आपको बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कैसे हो गया, चलिए इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ना, अभी भी नहीं, अब ठीक है। हाँ चलिए, देखिए मेरे पास क्या दिया है, 10 ग्राम सैंपल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट। यानी कि मेरे पास एक मिक्सचर है, ध्यान रहे, जैसे हाँ परसेंटेज प्योरिटी वाली बात करते थे ना, एक मिक्सचर होता था उसमें कुछ प्योर पार्टिकल्स कुछ इम्प्योर पार्टिकल्स होते थे, वैसे ही मेरे पास एक सैंपल है। वो सैंपल मैग्नीशियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के क्या है, मिक्सचर है। तो चलिए बना लेते हैं। ये है हमारा मिक्सचर, इसमें कौन है, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस सोडियम कार्बोनेट, यही दिया है ना, हाँ ठीक है। मिक्सचर का मास दिया है, टोटल मास इसका कितना है, 10 ग्राम। ध्यान रहे ये 10 ग्राम ना ही मैग्नीशियम कार्बोनेट है ना ही सोडियम कार्बोनेट, दोनों के मिलने के बाद जो मास आएगा वो मास दिया है 10 ग्राम, यानी कि वो टोटल मास है। चलिए और क्या दिया है, वाज हीटेड। जब हमने इस मिक्सचर को हीट किया एंड CO2 गैस इज लिबरेटेड इन 4.4 ग्राम अमाउंट मास, ठीक है। जब आपने इसको हीट किया तो आपको क्या मिला, 4.4 ग्राम, यहाँ लिख लेते हैं हम, आपको 4.4 ग्राम CO2 गैस मिला, ठीक। आप बता सकते हैं लॉस कितना होगा मास में, यही 4.4 ग्राम का लॉस हुआ होगा। और देखिए कुछ दिया है नहीं, हमसे पूछ रहा है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर बाई मास, आपको बताना कि इस मिक्सचर में कितना परसेंट मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा और कितना परसेंट सोडियम कार्बोनेट होगा। बात समझ में आ रही है, हाँ वो ये पूछ रहा है इस मिक्सचर में मैग्नीशियम कार्बोनेट भी है सोडियम कार्बोनेट भी है, तो जाहिर सी बात है कोई ज़्यादा भी होगा कोई कम भी होगा। तो वो पूछ रहा है आप एग्जैक्ट बताइए कितना परसेंट इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा और कितना परसेंट कैल्शियम कार्बोनेट होगा। तो आइए चलिए देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको अपने कीवर्ड्स पे ध्यान रखने हैं। देखिए कह रहा है ना इसको हीट करने पे, आप हमें ये बताइए मैग्नीशियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। चलिए हम पहले अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करें, इसको लिख लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, दोनों एक साथ ही लिख लेते हैं मिक्सचर में ही। जब हम इनको हीट करेंगे तो बताइए क्या सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अल्कली मेटल कार्बोनेट्स। अल्कली मेटल कार्बोनेट्स में सिर्फ एक है लिथियम कार्बोनेट जो कि डिकम्पोज होता है, बाकी कोई भी चाहे वो सोडियम कार्बोनेट हो चाहे वो पोटेशियम कार्बोनेट हो वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा। यानी कि आप चाहे जितना हीट करिए ये आपको ऐसे ही प्रोडक्ट में मिलेगा, इसमें आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो ठीक है नहीं मिलेगा, तो अब देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट जब हीट हुआ होगा तो हाँ ये हमें क्या दिया होगा, बहुत अच्छे समझ आ रहा है, हाँ देखिए ये क्या है अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स। तो ये हीट होने पर हमें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मेटल का ऑक्साइड, यानी कि हमें ये दिया होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बात समझ में आई मेरी, अब हमें ये बताइए इस पूरे रिएक्शन में जो भी गैस मिला वो गैस किसकी वजह से मिला, मैग्नीशियम कार्बोनेट की वजह से मिला होगा। बात समझ में आ गई,
तो चलिए अब हम रिलेशन बनाएंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। बताइए मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास कितना हो गया? कार्बोनेट 60 24 84 ग्राम। आप चेक कर लीजिएगा ये 84 ग्राम आएगा। जब आपके 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा मोलर मास, तो बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना आएगा? 44 ग्राम। आप कल के देख लीजिएगा कार्बन का 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 × 32 यानी कि 44 ग्राम। तो देखिए 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला। आप हम ऐसे लिखेंगे, हमें 44 ग्राम CO2 गैस मिलेगा कब? जब मेरे पास 84 ग्राम क्या होगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा। इस रिलेशन को हम न्यू पेज पे कर लेते हैं। देखिए तो बताइए 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस कब मिलेगा? जब 84/44 ग्राम क्या रहेगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट रहेगा। यहाँ तक बात सुन में आ रही है? चलिए, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कितना दिया है? 4.4 ग्राम। तो बस यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 4.4 ग्राम CO2 गैस कब मिलेगा? जब 84/44 को हम 4.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, इसको अपॉन 10 लिख लीजिए डेसिमल हटा के, ये और ये तो कैंसिल हो गया। इसको इससे डिवाइड करिए, देखिए आ गया कितना, 8.4 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब हमें ये बताइए, अगर आपका मिक्सचर टोटल कितना था? 10 ग्राम था। इस 10 ग्राम में अगर 8.4 ग्राम क्या मिल गया आपको? मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो बताइए, हाँ सोडियम कार्बोनेट कितना रहा होगा? सोडियम ही है ना, चेक कर लेते हैं। हाँ तो बताइए सोडियम कार्बोनेट कितना रहा होगा? 10 - 8.4 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.6 ग्राम आ जाएगा। ये आंसर नहीं है, ये तो आपने एग्जैक्ट अमाउंट निकाल दिया, हमें तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। यानी कि चलिए सॉल्व करते हैं। अब हम लिखेंगे परसेंटेज मास ऑफ, किसका निकाल लें? किसी का निकाल लीजिए, क्या करना है लिख लेते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट का। देखिए परसेंटेज निकाल रहे हैं यानी मल्टीप्लाई बाई 100 करना होगा, ये बात तो क्लियर है एकदम। अब देखिए किसका निकाल रहे हैं? मैग्नीशियम कार्बोनेट का ना, यहाँ किसको लिखेंगे? मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट अपॉन, तो ये अपॉन में किसको लिखते हैं हमेशा? टोटल। टोटल मिक्सचर कितना है? 10 ग्राम। देखिए वेट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट अभी हमने कैलकुलेट किया था कितना आया, 8.4 अपॉन 10 × 100। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आएगा, 84%। ध्यान रहे ये 84% कौन है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। आपको पता है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट दोनों मिलके कितना? 100%। अगर 84% मैग्नीशियम कार्बोनेट है तो बताइए सोडियम कार्बोनेट कितना हो गया? हाँ वो तो आप ओवरऑल बता सकते हैं, कितना? 16%। एक तो ये तरीका, दूसरा आप चाहें तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, हम यहाँ पे अब ठीक है ना, हाँ लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे हम? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो यहाँ मास भी किसका लेंगे अब हम? सोडियम कार्बोनेट का। बताइए सोडियम कार्बोनेट का मास अब हमने निकाला था कितना आया था? 1.6 ग्राम अपॉन टोटल मास 10 × 100। देखिए ये और ये तो कैंसिल, 1.6 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे देखिए कितना आ जाएगा, 16%। ये कौन है? ये भाई साहब हैं सोडियम कार्बोनेट। समझ में आ गया, सिंपल था? हाँ मिक्सचर एनालिसिस बहुत ही सिंपल है, लेकिन लेकिन हाँ लेकिन लेकिन उसके लिए आपको कीवर्ड्स ध्यान रखने होंगे। आपको क्वेश्चन देख के पता लगाना होगा कि इस क्वेश्चन में कौन डिकम्पोज हुआ होगा और कौन डिकम्पोज नहीं हुआ होगा, क्योंकि जब तक आपने ये निकालना नहीं सीखा फिर तो आपको ये सब आता हो लेकिन आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया, कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आंसर एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। आंसर देखिए दिया है यहाँ पे 84% मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड 16% सोडियम कार्बोनेट। ठीक है सॉल्यूशन हम आपको दे देंगे, पीडीएफ आपको मिलता ही है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा सॉल्यूशन।
ये रहा इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आप चाहे तो खुद से भी कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अभी तो आप कह रहे होंगे सर क्वेश्चन तो आप सारा ही अच्छा कहते हैं, क्या करें क्वेश्चन सारे अच्छे होते ही हैं। देखिए क्या दिया मेरे पास, इसको थोड़ा सा और इधर कर लो। ठीक, डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। टेंथ में आपको थोड़ा सिखाया था ना हाइड्रस एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल बिल्कुल ही ना हो। हाँ तो बताइए एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2CO3। अगर हाइड्रस होता तो डॉट लगा के कुछ वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं XH2O लिख लेते, या 1, 2, 3, 4 जो भी होता वो लिख लेते। एनहाइड्रस का मतलब आपको ध्यान रखना है इसमें वाटर के मॉलिक्यूल बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए क्या दिया हमारे पास, सोडियम बाइकार्बोनेट दे रखा है। चलिए अच्छा है, तो हमारे पास दूसरा कंपोनेंट है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर मिक्सचर का मास आपको 2 ग्राम दिया गया है और लॉस इन वेट ऑन हीटिंग कितना दिया गया है 0.31 ग्राम, यानी कितना लॉस हो गया। लॉस होने का मतलब, हाँ ये हमें क्या दिया है 0.31 ग्राम क्या बनेगा, गैस बनेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको निकालने आनी चाहिए, कर सकते हैं। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, चले तो हमारे पास मिक्सचर बन गया किसका, एक है Na2CO3 और दूसरा है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, इनका टोटल मास 2 ग्राम है। ठीक है, इसमें 0.31 ग्राम का लेस हो रहा है यानी कि हमें मास ऑफ गैस दे रखा है कितना, जितना कि लॉस हुआ होगा। लॉस कितना दिया है 0.31 ग्राम, एक मिनट देख लीजिएगा, यही दिया ना, हाँ यही दिया। और हमसे पूछ रहा है बताइए कि इसमें कितना परसेंट सोडियम कार्बोनेट होगा और कितना परसेंट सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। तो आपको तुरंत देख के बताना होगा कौन डिकम्पोज होगा कौन डिकम्पोज नहीं होगा। बताइए क्या सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये अल्कली मेटल कार्बोनेट्स हैं। अल्कली मेटल कार्बोनेट्स में सिर्फ और सिर्फ लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, ये कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा। बहुत ज़्यादा हीट कर देंगे तो क्या होगा, ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मजाल जो ये आपको सोडियम ऑक्साइड दे दे, कोई चांस नहीं है। तो क्या करेंगे, तो इसको चेक करिए। देखिए क्या दिया आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, जितने भी मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं, मेटल के बाइकार्बोनेट्स होते हैं, चाहे वो लिथियम हो, बेरिलियम हो या कोई भी हो, वो हमेशा हमें क्या देते हैं, मेटल कार्बोनेट्स, वाटर वेपर और CO2 गैस। ये तो बाइकार्बोनेट है ना, हाँ, यानी कि यही ब्रेक डाउन होगा। हम पूरे रिएक्शन में इसको इग्नोर भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए इग्नोर ही कर देते हैं, क्यों लिख के लंबा चौड़ा बनाना। चलिए हीट कर दिए, अब बताइए ये क्या है, मेटल का बाइकार्बोनेट है। और हमने कहा था जितने भी मेटल के बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो कभी भी आपको मेटल ऑक्साइड नहीं देते हैं, हमेशा आपको मेटल कार्बोनेट्स देते हैं, वाटर वेपर और CO2 देते हैं। अगर आपने यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड बना दिया प्रोडक्ट में तो फिर आपका गेम हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा, हाँ सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 मिलेगा सॉलिड फॉर्म में, प्लस H2O मिलेगा वो किस फॉर्म में, वेपर फॉर्म यानी गैस फॉर्म में, प्लस CO2 गैस मिलेगा वो भी गैस स्टेट में। ये आपकी रिएक्शन, तो बस अब बैलेंस कर लीजिए। देखिए सोडियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाइड्रोजन बैलेंस है, कार्बन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, सब बैलेंस हो गया। अब यहाँ से रिलेशन बनाएंगे, पहले हम लिख लेते हैं गैस रिलेशन बना लीजिए। देखिए इनका टोटल मास कितना, सोडियम का 23, हाइड्रोजन 124 और कार्बोनेट यानी कि 84 × 2 सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 168 ग्राम। बताइए गैस कौन कौन बना है, CO2, H2O या दोनों, दोनों ही बने यानी दोनों के एक साथ लेंगे हम। बताइए दोनों का मास, H2O का मास 18, CO2 का मास 44, टोटल मास 62 ग्राम।
तो बस रिलेशन लिख लीजिए। देखिए हमें 62 ग्राम गैस मिलेगा, गैसेस मिक्सचर है एक्चुअली ये, जिसमें कि वाटर वेपर और CO2 दोनों हैं, लेकिन हमें तो गैस मतलब 62 ग्राम गैस मिलेगा कब, कितना था 168 ग्राम मेरे पास जब सोडियम बाइकार्बोनेट होगा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, दोनों एक ही नाम है ना। चलिए यहाँ से 1 ग्राम गैस बताइए कितने में मिलेगा, तो हो जाएगा 168/62 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट लिख सकते हैं। चलिए लेकिन मेरे क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन में तो आप कहेंगे सर कहीं दिया ही नहीं है, दिया है लॉस दिया है ना, यही लॉस ही तो है हमारा गैस का मास कितना 0.31 ग्राम, तो बस वैल्यू पुड़ा के रख दीजिए यहाँ पर, रख दीजिए 0.31 ग्राम गैस, क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 168/62 × 0.31, ये आ जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए 31 × 2 = 62, ये आ गया अपॉन डेसिमल हटा के अपॉन 100 लगा लीजिए, इस 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए 84, तो क्या बचा 84/100, यानी कि ये वैल्यू आ गई 0.84 ग्राम क्या सोडियम बाइकार्बोनेट। आपने ये निकाल दिया कि इस मिक्सचर में, कहाँ गया मिक्सचर, 2 ग्राम का मिक्सचर, इस मिक्सचर में 0.84 ग्राम 0.84 ग्राम कौन है, हाँ सोडियम बाइकार्बोनेट है। देखो टोटल मास आपको पता है और ये पता है 0.84 ग्राम है, तो ये निकाल सकते हैं, ये कैलकुलेट करके देख लीजिएगा 1.16 ग्राम आएगा, 2 ग्राम में से इसके मास को माइनस करेंगे इसका मास मिल जाएगा। हमें तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, अब इस सब की कोई ज़रूरत हमें नहीं है, तो बस इसको इरेज कर दीजिए। पहला लिख लेंगे हम परसेंटेज मास ऑफ, किसका निकाल लें पहले, सोडियम कार्बोनेट का, चलिए उसी का निकाल दीजिए Na2CO3, किसका मास लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट का, कितना 1.16 अपॉन टोटल मास कितना, किधर गया 2 × 100, इसको इसे सॉल्व करिए देखिए क्या हो जाएगा 0.58, सही है ना, 2 × 5 = 10, 8, हाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए ये हो जाएगा 58%। बस अगर एक मिल गया तो दूसरा तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, बताइए सोडियम बाइकार्बोनेट कितना हो जाएगा, फिर टोटल 100 रहा होगा, 100 में 58% सोडियम कार्बोनेट है, तो 42% कौन रहा होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट रहा होगा। एक तो ये तरीका, दूसरा हम कैलकुलेट करके भी दिखा देते हैं, लिख लीजिए परसेंटेज मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, क्लिक क्या लिखेंगे फॉर्मूला, मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 अपॉन टोटल मिक्सचर 2 ग्राम इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, ये वैल्यू कितनी आई थी 0.84, तो लिख लीजिए 0.84 ग्राम अपॉन 2 × 100, इसको इससे डिवाइड करिए ये हो जाएगा 0.42, मल्टीप्लाई कर दीजिए हो जाएगा देखिए 42%, देखिए 42% सोडियम बाइकार्बोनेट आएगा। देखिए सेम चीज़ आ रही है क्या, हाँ, तो आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, आंसर आपके सामने दिया होगा, आंसर दिया कि नहीं, हाँ दिया, देखिए 42% सोडियम बाइकार्बोनेट एंड 58% सोडियम कार्बोनेट, कर सकते हैं, आसान है। चलिए अब जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन भी बहुत आसान है, लेकिन हाँ फिर से कहाँ आ गए हम, लेकिन क्या दिक्कत आएगी, इस पर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको कैलकुलेशन से बिल्कुल डरना नहीं है, जब भी आपको नया नया कैलकुलेशन करने का तरीका मिलेगा आप उसको, क्योंकि अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर मैथ्स थोड़ी सी वीक है तो आप उसको कहीं एक जगह नोट करते चलेंगे, ताकि आपको ये याद रहे कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ ये नहीं कि अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो आपका काम बन जाएगा, बोर्ड में तो इसे कोई लेना देना नहीं है, तो एंट्रेंस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको ये सब डील करने आना चाहिए। चलिए देखिए क्या दिया हमारे पास, 92 ग्राम मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो बस लिख लीजिए मिक्सचर का मास दिया है आपका 92 ग्राम,
जिसमें कौन कौन है, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट, यही है ना, ठीक। इज हीटेड स्ट्रॉन्गली इन एन ओपन वेसल। देखिए ओपन वेसल का मतलब क्या कह रहा है, हाँ यानी कि जो भी गैस बना वो तो उड़ गया, यानी कि लॉस हुआ होगा। आफ्टर कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ द कार्बोनेट्स इट वॉज फाउंड एट द वेट ऑफ द रेसिड्यू। रेसिड्यू का मतलब जो कंटेनर में बच गया, लेफ्ट बिहाइंड इज 48 ग्राम, यानी कि आपको रेसिड्यू कितना मिला, 48 ग्राम, इसको लिख लेते हैं। देखिए 48 ग्राम आपके पास अभी बचा है, तो बताइए कितना लॉस हो गया, माइनस कर लीजिए, एक ही में 4 ग्राम को लिख देते क्या, माइनस करिए 42 ग्राम, ये है हमारा लॉस। लॉस का मतलब क्या, यस दिस इज द मास ऑफ गैस फॉर्म, यानी कि इतना गैस बना होगा, बात समझ में आ रही है, इतना कर सकते हैं तो बस, अगर इतना कर सकते हैं तब तो फिर समझिए आपका आंसर आ गया। हमें क्या निकालना है, फाइंड द मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। चलिए हमें मास निकालना है, इस पर कंपोजिशन नहीं पूछा है, हमसे मास पूछ रहा है, किसका, मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी कि WmgCO3 निकालना है। तो चलिए डील करते हैं। अब बताइए मैग्नीशियम कार्बोनेट हीट करेंगे तो आपको गैस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का कार्बोनेट है। अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट का भी तो मिलेगा, यानी कि इस बार मेरे दोनों ही कंपोनेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो रिएक्शन क्या लिखेंगे हम, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस, हाँ प्लस कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग विल गिव अस, एक तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, ध्यान से देखिए, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देगा, उसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अच्छा ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों को मिला के हम सिंगल लिख दें क्या, टू कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हैं कि नहीं, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड से मिल गया, यानी कैल्शियम कार्बोनेट वाले से, और एक मॉलिक्यूल मिल गया आपको मैग्नीशियम कार्बोनेट से, तो टोटल कितने हो गए, दो मॉलिक्यूल, तो हमने 2CO2 लिख दिया। एक बार चेक लीजिए बैलेंस है, हाँ बैलेंस है। अब हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना होगा, इस बार रिएक्शन में किसका मास लेंगे, इसका यानी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, या फिर दोनों का, हाँ इस बार दोनों के ही लेंगे। तो लिखिए इसका मास कितना आता है, 84 आएगा, कार्बन 12 सॉरी हाँ 60 एंड 24 84, इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्व करेंगे तो 100, टोटल मास 184 ग्राम। बताइए गैस, गैस कितना बना, दो मॉलिक्यूल यानी कि दो मोलर मास के बाद, तो देखिए पहले तो हम CO2 का कैलकुलेट करते हैं, CO2 44 आएगा, 44 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 88 ग्राम। यहाँ से हमें ये मालूम चल गया कि 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, कब, जब 184 ग्राम मिक्सचर रहेगा, कितना 88 ग्राम गैस मिलेगा जब मेरे पास 184 ग्राम, हम मिक्सचर लिखते हैं, मिक्सचर में कौन कौन होगा, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों ही होंगे। चलिए और क्या दिया हमें, ठीक है हमारे क्वेश्चन में हमें कितना लॉस दिया है, 42 ग्राम, ये पता है ना, इसी के लिए सॉल्व करेंगे हम, तो पहले तो 1 ग्राम के लिए लिख ले, तो ये 1 ग्राम गैस कब मिलेगा, जब 184 को हम 88 से डिवाइड कर देंगे, इतना मिक्सचर रहना चाहिए, लेकिन हमें तो किसके लिए सॉल्व करना है, 44 ग्राम गैस के लिए, बताइए 44 ग्राम गैस के लिए क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर दें 88 × 44 ग्राम मिक्सचर, इससे इसको कैंसिल करिए, देखिए 2 टाइम्स में, फिर इसको इससे कैंसिल कर दिए, देखिए कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा, यानी कि हमें 92 ग्राम मिक्सचर चाहिए, कितना 92 ग्राम मिक्सचर, ठीक है, तो हमें यहाँ भी दिया भी था ना। चलिए यानी कि मेरे कैलकुलेशंस बिल्कुल ही क्या हैं, सही है। अब बस थोड़ा सा काम और बचा है, अब हम इन सबको उड़ा देते हैं। अब देखिएगा हम रिलेशन लिखेंगे किसका, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट का रेशियो में,
तो देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास 84 आया था, अभी कैलकुलेट किए थे हम, आप चाहते हो फिर से कैलकुलेट कर लीजिएगा मोलर मास। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 ग्राम। देखिए इसको सिंपल रेशियो बनाने के लिए क्या करिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 21:2, ये हो जाएगा 25, 4 से डिवाइड कर दीजिए दोनों को, हो जाएगा ना। अब देखिए ये इस रेशियो से मिलकर हमें टोटल 92 ग्राम देंगे, क्या देंगे 92 ग्राम देंगे। बस तो हमें लिखना है मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट निकालना है, तो पहले हम लिख लेते हैं मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। बताइए मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट का कितना रेशियो मिलेगा, यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट का रेशियो तो 21 है, यहाँ लिखेंगे हम 21 अपॉन में हमेशा किसको लिखते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट को या कैल्शियम कार्बोनेट को, हाँ दोनों के सम को, तो 21 और 25 को ऐड करिए कितना आ गया, कितना 46, हाँ ये हो जाएगा 46 मल्टीप्लाइड बाई कितना है टोटल मास 92, सॉल्व कर दीजिए, देखिए 46 टू जा कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा 42 ग्राम आंसर। देखिए यही आंसर दिया होगा, हाँ ये कहाँ से आ गया, आंसर कहाँ है, हाँ आंसर देखिए यहाँ दिया 42 ग्राम, कर सकते हैं, चलिए इजी था, हाँ आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना होगा, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो मिक्सचर एनालिसिस आपका यहीं ख़त्म होता है, अब आपके होमवर्क का टाइम है, आपको 2 होमवर्क दिए गए हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप पीडीएफ से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, एक होमवर्क ये रहेगा, दूसरा होमवर्क ये रहेगा, प्लस इसके साथ साथ आपको दोनों के आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं, आप आंसर अपने मैच कर लेंगे। कीवर्ड्स का एकदम ध्यान रखना होगा, आपको मालूम होना चाहिए कब कौन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और कौन नहीं करेगा। अब हम बहुत अच्छे से टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स। आज बिल्कुल हम बेसिक सीखेंगे, ठीक है, लेकिन अगले क्लास में हम हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा मोलैरिटी। ध्यान रहे ये मोलैरिटी आपके फर्स्ट चैप्टर में, आने वाले 11th के कई चैप्टर्स में यूज होगा, प्लस 12th के भी चैप्टर्स में यूज होगा, और कभी कभार तो आपको ये फिजिक्स में भी देखने को मिल सकता है। तो आने वाला लेक्चर यानी जो कल का लेक्चर होगा वो तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन उसको समझने से पहले आपको कुछ टर्म्स का मतलब समझ में आना चाहिए, उससे इन्फॉर्मेशन निकालने आना चाहिए। देखिए तो हम कंसंट्रेशन टर्म्स सीखने से पहले कुछ कीवर्ड्स सीखेंगे, हाँ जैसे कीवर्ड्स अभी हम सिखाए थे ना, कब मिक्सचर एनालिसिस से ठीक पहले। तो चलिए कंसंट्रेशन टर्म्स किसके लिए डिफाइन होते हैं, सॉल्यूशन के लिए। तो हम पहले सॉल्यूशन जान लेते हैं क्या है, सॉल्यूशन किससे बनता है, हाँ इतना तो सबको पता है, बच्चा जानता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। चलिए जब इतना जानते हैं तो देखिए सॉल्यूट कौन, हाँ जिसको मिक्स करते हैं, सॉल्वेंट कौन जिसमें मिक्स करते हैं। अच्छा आपका डेफिनेशन, हाँ आपने क्या कहा, सॉल्यूट वो होता है जिसकी अमाउंट कम होती है और सॉल्वेंट वो होता है जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, अच्छा है। चलिए बताइए अगर मैं 10 ग्राम शुगर को 100 ml वाटर में मिक्स करूं तो सॉल्यूट कौन, 10 ग्राम, क्यों कैसे पता चला, आप NaCl लिख लीजिए यहाँ पर चाहें तो, क्योंकि ये कम था, ठीक, ये क्या है हमारा सॉल्वेंट, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा है। अब ध्यान से देखिएगा अगर मैं यही 500 ग्राम सॉल्ट को, हाँ 500 ग्राम सॉल्ट को 100 ml वाटर में मिक्स करूं तो बताइए सॉल्यूट कौन, हाँ कौन वाटर। अगर आपने ये कर दिया तो आपका गेम हो जाएगा, अभी भी सॉल्यूट यही रहेगा। लेकिन अभी तो आप कहेंगे सर हमें तो यही पता है कि जो मास कम होता है वो सॉल्यूट होता है, मास तो इसकी कम है ना, नहीं वो केस तब डिफाइन होता है, वो केस तब डिफाइन होता है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का स्टेट बिल्कुल सेम हो। यानी कि अगर मैं इसको भी ग्राम में लिखा होता, यानी कि ये भी सॉलिड होता ये भी सॉलिड होता,
तब ये केस लगा सकते थे, या फिर ये भी अगर सॉलिड होता तब, यानी अगर हम ये कहते हैं कि 100 ग्राम इस पर वाटर तो ले नहीं सकते, सॉलिड में कुछ लेना होगा ना। अब मान लीजिए सैंड ले लिया आपने।